गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू पार्ट बी एंड सी ऑफ चैप्टर 22 प्रपोजिशन. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डन पार्ट वन पार्ट ए, सो वी आर ऑन पार्ट बी. टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है. फर्स्ट इज डन फॉर यू. सी लॉस्ट हर कीज इन एट द बीच. तो यहाँ पे हम एट लगाएंगे. सी लॉस्ट हर कीज, उसने अपनी चाबियाँ बीच पर गुम की थी, तो यहाँ पे एट लगाएंगे न कि इन. ही वॉज वेटिंग ऑन इन द रूम. स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हम इन लगाएंगे. ही वॉज वोटिंग इन द रूम. जब जब हम कहीं एक जगह पे बैठे होते हैं, मतलब कि रूम के अंदर बैठे हैं, तो इन लगाएंगे. अगर हम एंटर कर रहे हैं तो इनटू लगाते हैं. जैसे ही वॉज गोइंग इनटू द रूम, तो इनटू लगाएंगे, जा रहा है. लेकिन वहाँ पे रूम में ऑलरेडी है, तो इसलिए यहाँ पे इन लगाएंगे. रूही सीट्स बिटवीन बिसाइड रोमित इन क्लास. तो रूही रोमित के पास बैठी. बिसाइड होता है पास में, नियर रोमी रोमित, रोमित के पास बैठी है, तो या रोमित की साइड में, बगल में बैठी है, तो बिसाइड लगाएंगे. नेक्स्ट देखते हैं. द कैट जंप्ड ऑन इन द काउंटर. द कैट जंप्ड ऑन द काउंटर. काउंटर पर बिल्ली ने छलांग लगाई. वी आर वेटिंग एट द बुक शॉप, न कि ऑन. हम लगाएंगे यहाँ पे एट. हम बुक शॉप पर वेट कर रहे हैं. वी आर वेटिंग एट द बुक शॉप. ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट. वह गली के पार रहता है. अक्रॉस द स्ट्रीट. इनटू कब लगाते हैं? जब हम कहीं पे एंट्री कर रहे होते हैं. द बॉल रोल्ड अप डाउन द स्लोप. द बॉल रोल्ड डाउन द स्लोप. क्योंकि स्लोप से तो बॉल क्या होगी, वो डाउन आएगी, नीचे आएगी. अलीली ग्रू अमंग द डेफोडिल्स. तो यहाँ पे अमंग आएगा. जो लिली है वो डेफोडिल्स के मध्य ग्रू हुई है, उगी है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डेफोडिल. और यहाँ पे क्या आना चाहिए, डाउन. ही ड्रू इनटू ओवर अ ब्रिज. ही ड्रू ओवर अ ब्रिज. तो पुल के ऊपर से जाते हैं, तो ओवर आएगा यहाँ पे, न कि इनटू. इनटू नहीं आएगा यहाँ पे, ओवर आएगा. द शॉपकीपर सेट इन हिज शॉप. देखो यहाँ पे वो ऑलरेडी शॉप के अंदर, दुकान के अंदर बैठा है, तो शॉपकीपर सेट इन हिज शॉप. अब नेक्स्ट देखते हैं. कंप्लीट दी सेंटेंस विद स्टेबल प्रपोजिशन. द कार्स जूम्ड अलोंग द पेवमेंट. वी वर सीटिंग. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वी वर सीटिंग बाय द सी शोर. हम समुद्र के किनारे बैठे थे. दे गोट ऑन अ बस हेस्टिली. शी इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स. गुड के साथ हमें एट लगाना होता है, गुड एट. द क्लोथ्स वर पैक्ड इन द सूटकेस. जो कपड़े थे वो सूटकेस में पैक किए गए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इन. माई फादर इज गोइंग आउट ऑफ टाउन फॉर वर्क. मेरे पिताजी शहर से बाहर काम के लिए जा रहे हैं. द चिल्ड्रन शेयर्ड द चॉकलेट्स अमंग themselves. जब कोई चीज
ज़्यादा दो से ज़्यादा के बीच बांटते हैं तो अमंग लगाते हैं, और जब दो में बांटते हैं तो बिटवीन लगाते हैं। अब themselves है यहाँ पे, चिल्ड्रन ने चॉकलेट्स आपस में बांट ली, तो यहाँ पे themselves का मतलब उन्होंने आपस में बांट ली, वो काफ़ी themselves से पता चलता है ये प्लूरल है, और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं तो अमंग हम यहाँ पे लगाएंगे। देयर हाउस इज अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द मार्केट। आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम माई आंट्स प्लेस, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फ्रॉम माई आंट्स प्लेस व्हेन इट बिगेन टू रेन। लुक फॉर द बॉल अंडर द टेबल, बॉल को टेबल के नीचे देखो। स्टूडेंट्स ये हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, यहाँ पे जो आंसर हैं सबके जरूरी नहीं है सेम होंगे, अलग अलग आंसर हो सकते हैं। बिसाइड का कैसे बना सकते हैं, जैसे शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी, और अलोंग वी वर वॉकिंग अलोंग द रोड, ऑन द बुक इज ऑन द टेबल, अक्रॉस ही वॉज लिविंग अक्रॉस द रोड, इस तरह से बना सकते हैं। एट ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, तो इस तरह से ये जो सेंटेंस आपके डिफरेंट हो सकते हैं, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। So with this our chapter 22 is finished. Thank you.